तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको 100% मार्क्स दिलाना आपके बीएड में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में। इस वीडियो का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 32वां प्रश्न, हमने 1 से 31 प्रश्न ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को दोस्तों। आपसे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकाकीकरण या राष्ट्रीय समाकलन से आपका क्या तात्पर्य है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर अगर कोई दे सकता है तो वो एक भारतीय दे सकता है, क्योंकि भारत क्या है दोस्तों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपके विविधता में एकता का अगर कोई प्रतीक है तो वो हमारा भारत देश है। तो आइए इसी चीज़ को हम नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकाकीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय का अर्थ कि सामाजिक, धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नता को बनाए रखते हुए समूचे लोगों में एक ही राष्ट्रीय की भावना और एक राष्ट्रीय व्यक्ति से संबोधित होने की भावना, सभी नागरिक और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना और वफादारी विकसित करना, यही क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन होता है। अर्थात भले ही एक राष्ट्र के अंदर सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक के तौर पर कितने भी भिन्नताएं हो, लेकिन जब बात एक राष्ट्रीयता की आती है तो वह सब मिलकर एक हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकाकीकरण। और इसीलिए मैंने कहा कि सबसे अच्छा कोई समझ सकता है तो वो हम हिंदुस्तानी समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बराबर मिलकर इस भारत के तिरंगे को, इस शान को अपने हाथों में संभाले रखते हैं और देश को आगे लेके जाते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय एकाकीकरण का मतलब यही हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि एक राष्ट्रीयता की भावना होना और एक भारतीयता की भावना होना, दोस्तों ये राष्ट्रीय एकाकीकरण का मतलब होता है। अब बिल्कुल आप इसे अपने शब्दों में लिखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे कि यह होता क्या है। दोस्तों इससे संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये प्रश्न आपको लॉन्ग में पूछता है तो आप इस प्रकार से हेडिंग डालिए कि राष्ट्रीय एकाकीकरण में समस्या और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से राष्ट्रीय एकाकीकरण में सब कुछ बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, ऑब्स्टिकल एंड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, एक जो सांप्रदायिक सोच है वो हमारी इसमें बाधा उत्पन्न होती है, और जातिवाद और क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का अर्थात मतलब कि हम बंगाली हैं, हम गुजराती, हम मराठी, तो इस प्रकार की जो क्षेत्रवाद होती है ना, जो हमें एक देश से तोड़कर हमें एक क्षेत्र तक सीमित कर देती है, वो राष्ट्रीय एकाकीकरण में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है और समस्या। और संकीर्णता मतलब जो छोटी सोच होती है कि अरे वो हमारे में से नहीं है, वो दूसरे में से, तो इस प्रकार की सोच। भाषावाद भी वही बात होती है कि हमारे यहाँ अक्सर ये चीज़ें चलती हैं कि एक हिंदी भाषी और एक तमिल भाषी या फिर एक मराठी भाषी, तो भाषावाद भी होता है। और दोस्तों सबसे बुरा तो बैड पॉलिटिक्स, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय एकाकीकरण में ये वो बिंदु हैं जो समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे राष्ट्रीय एकाकीकरण के लॉन्ग में, तो आप यहाँ से शुरुआत करिए, फिर उसके बाद हेडिंग डालिए कि वो कौन से ऐसे कारक हैं जो राष्ट्रीय एकाकीकरण में समस्या उत्पन्न करती है, और इन बिंदुओं को हेडिंग बना के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए शिक्षा के माध्यम से आप राष्ट्रीय एकाकीकरण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को और कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपसे पूछे कि कुछ ऐसे शिक्षा के सुझाव दीजिए जिससे राष्ट्रीय एकाकीकरण और बेहतर हो, तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शिक्षा जो है वो धर्म निरपेक्ष होती है, ठीक है। जो टीचर किसी एक धर्म को पढ़ाता है वही दूसरे धर्म को पढ़ाता है, तो बिल्कुल ये धर्म निरपेक्ष होती है। तो शिक्षा क्या है, धर्म निरपेक्षता को ध्यान में रखकर विद्यालय एवं कॉलेजों में ऐसी पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए जिससे धार्मिक सौहार्द बढ़े, जिससे आपस में भाईचारा बढ़े, और पाठ्य पुस्तक में आवश्यक संशोधन किया जाए और उनकी सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि भावात्मक एकता का विकास हो, एक दूसरे के लिए भाव उत्पन्न हो, अच्छे भाव। और मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि उस बात पर बल दें जो हिंदू मुसलमानों की संस्कृति को मिलाने की सहायता होती हो,
ठीक है। अब पढ़ाने का भी कई तरीका होता है, एक ही चीज़ को आप ऐसे भी बताएं कि वह क्या हो, एक दूसरे में आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे को और बढ़ावे, इस तरीके से आप उसको बताएं। और कुछ और दोस्तों, बालकों में शिक्षा के द्वारा ऐसे दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए जिससे वह अपनी संस्कृति विरासत के महत्व को समझे और उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षण करे। इससे एकाकीकरण राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। विद्यालय स्तर पर विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिक भाषाएं साहित्य संस्कृति कला के अध्ययन की व्याख्या की जाए और दोस्तों छात्रों को ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाए जिससे उनमें हम की भावना विकास हो, मतलब हम वी केवल मैं नहीं हम की भावना विकास हो। तो दोस्तों ये हो गया राष्ट्रीय एकाकीकरण में शिक्षा का योगदान, या फिर आप शिक्षा की सिफारिशें समझ लीजिए। चलिए दोस्तों कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि एक शिक्षक कैसे बता सकता है राष्ट्रीय एकाकीकरण को। तो देखिए, शिक्षक को छात्र के हृदय में यह बात बैठानी होगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक को न केवल अपने धर्म की बल्कि अन्य धर्म की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को अपने अध्यापन में इतिहास की उन बातों घटनाओं परिस्थितियों को बारंबार प्रश्नानुसार उल्लेख करना चाहिए जो सामूहिक स्मृति है। और दोस्तों एक आदर्श शिक्षक अपने अध्यापन कार्य में उन अवसरों का भरपूर उपयोग करे जिनमें सामूहिक रूप से किसी कार्य की आवश्यकता होती है, जहां पे सब मिलजुल के एक काम करें। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, अब आपने देखा राष्ट्रीय एकाकीकरण, सेम उसी तरीके से एक आपसे प्रश्न पूछता है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। दोस्तों इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, चाहे तो लिख के रख लीजिए कि राष्ट्रीय एकाकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इन दोनों में से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या फिर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अब जब आप एक राष्ट्र के भीतर प्रेम की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, तो वो राष्ट्रीय एकाकीकरण होता है। लेकिन जब आप पूरे विश्व में पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक भारतीय भ्रातृत्व एक भाईचारे की बात करते हैं तो वह हो जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब आइए इसके बारे में अगर आपसे सवाल पूछता है तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ है विश्व नागरिकता। यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार के प्रत्येक मानव भाईचारे के संबंध हो तथा वसुधा एवं कुटुंब के सम्मान प्रतीत हो। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व मैत्री तथा विश्व बंधुता की भावना पर आधारित होते हुए मानव के कल्याण पर बल देती है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। और दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व के समस्त राष्ट्र तथा उनके नागरिकों के प्रति प्रेम सहानुभूति तथा सहयोग की ओर संकेत करती है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। ठीक है दोस्तों, अब आइए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बारे में। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह केवल अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है, वह पूरे विश्व का नागरिक है। सही बात है, पूरे एक विश्व का सदस्य है, अर्थात पूरा विश्व उसका घर है, पूरा विश्व उसका अपना है और उसे पूरे विश्व को एकजुट करके लेके चलना है। चलिए बहुत सही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको राष्ट्रीय अवबोध अंतर्राष्ट्रीय अवबोध समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ आपसे छोटे छोटे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है तो आप इस प्रकार से हेडिंग डालकर लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, मानव शोषण के रोकथाम को रोकने हेतु, ठीक है, रोकथाम हेतु, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भारत का किसी और देश में जाए तो आप उसे उसका शोषण करें, उसके साथ गलत व्यवहार करें, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध बहुत ज़रूरी है। युद्ध को रोकने के लिए, वॉर को रोकने के लिए और राष्ट्र की आज़ादी के लिए कि हर एक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से, कोई ऐसा ना हो कि बाहरी आके आप पे दबाव बनाए, और राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल वही बात है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की जरूरी है। और संकीर्ण राष्ट्रवादी विचारों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यक है। तो अगर लॉन्ग में पूछता है दोस्तों तो ये हेडिंग डाल के आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बाधाएं क्या होती है, तो भाई वह सेम वही बात, संकरण राष्ट्रीयता, मतलब जो नैरो नेशनलिज्म होते हैं ना, जो बहुत अपने हद तक सीमित रहते हैं, तो वो है इसकी बाधाएं। और विभिन्न राजनीतिक नीतियां, देखिए कुछ की राजनीति नीति, जब से मैं एक एग्जांपल दूं कि नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग, उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है, वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं। और भारत क्या है, भारत प्रेम की बात करता है तो हमारी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, इसीलिए मतलब ये क्या है, ये बाधाएं उत्पन्न करती, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रीय समूह, अलग अलग राष्ट्रीय समूह हैं तो लोगों के मैच नहीं होते, तो इससे क्या होते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती है। और सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, आप जैसे भारत की संस्कृति कुछ अलग है, किसी और देश की संस्कृति कुछ अलग होगी, तो ये दोस्तों क्या होती है, थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और आप अक्सर देखेंगे जब सांस्कृतिक मिलती है ना तो बड़ा ही घनिष्ठ मित्रता होता है,
ठीक है। तो जब नहीं मिलती है, भिन्नता होती है, तो थोड़ी सी इसके अंदर बाधाएं आती हैं। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें अगली पॉइंट को देखते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास कैसे कर सकते हैं, इसको मतलब और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो खेल के द्वारा जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से मिलते हैं, अभी कल मैच होने वाला है शायद इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये देखिए इंडिया और पाकिस्तान में भले ही हमारे अंदर युद्ध चल रहा हो या फिर एक दूसरे से संबंध अच्छे नहीं हो, लेकिन खेल के माध्यम से दोस्तों भारत के खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे से खेलते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और गेम चलता है। तो खेल दोस्तों बड़ा अच्छा उपाय है ये अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को बढ़ाने के लिए, और खेल के माध्यम से हम और कई देशों के बारे में जानते हैं। व्यापार हो सकता है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से देश से व्यापार, आयात निर्यात, मुद्रा विनिमय मतलब एक्सचेंज करेंसी, मतलब आप डॉलर दीजिए रुपया ले लीजिए, या फिर आप इस प्रकार से आप एक्सचेंज करके आप और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास कर सकते हैं। और टूरिज्म बेस्ट वे भ्रमण, आप जब टूर करते हैं तो दूसरे देश के बारे में जानते हैं, आप टूर करने जाते हैं तो वहाँ के लोग आपकी आवभगत करते हैं, और ख़ासतौर पर भारत पर अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसे बहुत इज्जत दी जाती है, और इस तरह से पूरे विश्व में भारत का नाम क्या होता है, रोशन होता है। तो ये वो बिंदु है जिससे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास होता है। चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध और राष्ट्रीय एकाकीकरण, अगर ये समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे ध्यान रखिए आपका 15 नंबर पक्का हो गया, 15 नंबर आपका कंफर्म हो गया। अब आइए कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपसे जो पूछे जाते हैं कि लोकतंत्र क्या है, इसको कभी कभी प्रजातंत्र के नाम से भी पूछा जाता है कि प्रजातंत्र क्या है। तो जो है प्रजातंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता पर शासन है, जनता के द्वारा जनता पर शासन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन वास्तव में जनता या उसके बहुमत की इच्छा से चलता है, जिसे जनता चाहेगी वही सरकार चलाएगा। इसमें जनता की शासन में सक्रिय और सीधी भागीदारी होती है, और लोकतंत्र में जनता सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करती है। यह प्रतिनिधि एक खास अवधि के लिए चुने जाते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक बार प्रतिनिधि बन गए तो पूरी जिंदगी बनेंगे, नहीं, एक खास अवधि के लिए बने जाते हैं, यानी सरकार एक निश्चित समय के लिए बनती है, उसके बाद फिर चुनाव प्रतिनिधि को चुनकर आना पड़ता है। और लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होते हैं और उन पर एक समान कानून लागू होते हैं, कहने का मतलब है चाहे महिला हो या पुरुष हो, उच्च वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, आपका एक वोट एक वोट के बराबर माना जाएगा, आपको समान अधिकार है, आपके समान नियम कानून लागू होते हैं, आप सब एक समान हैं। तो ये हो गया दोस्तों लोकतंत्र। इससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, या फिर प्रजातंत्र क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक आसान से शब्दों में समझ जाएंगे कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता पर शासन, ठीक है। चलिए बहुत सही, अब आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तो इसको एक इस प्रकार से भी वर्गीकृत किया जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए संसद में कोई कानून बनाया है, जैसे कृषि कानून बनाया है, तो वहाँ पे जनता अपनी राय नहीं रख सकती, जनता मतलब जाके इस कानून के लिए अपना वोट नहीं दे सकती, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाएंगे, ठीक है। तो आपने एक प्रतिनिधि को चुना और वो प्रतिनिधि उस कानून को बनाएगा, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से। पहले के जमाने में या कुछ देशों में ऐसे होते हैं जब भी डायरेक्ट जहाँ पे आबादी कम होती है वहाँ पे डायरेक्ट जनता से बात करके किसी कानून के बारे में नहीं किया जाए, तो वो स्थिति बहुत कम जगह बची है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष जहाँ पे जनता अपने स्वयं इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसी राजकाज के लिए, शासन के लिए, और अप्रत्यक्ष का मतलब जहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, कानून बनाते हो, शासन करते हो, ठीक है। इसके प्रकार दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लोकतंत्र के गुण क्या है। लोकतंत्र के गुण का मतलब शासन जन कल्याण के प्रति सजग है, अनुग्रहशील और जागरूक रहते हैं, जन शिक्षण श्रेष्ठ माध्यम, मतलब हर एक शासक को यही पता है कि भाई लोग जो है ना वही सबसे बड़े हैं, वरना 5 साल के बाद वो खटे खटे रहेंगे। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करता है लोकतंत्र। उच्च कोटि की राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने में सहायक है। स्वावलंबन और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। देशभक्ति का स्रोत, क्रांति से सुरक्षा प्रदान और शासन कार्य में जन सहभागिता की व्यवस्था करना, गरीब व्यक्ति की गरिमा सम्मान तथा समानता आदर्श प्रस्तुत करता है लोकतंत्र का गुण। चलिए अब लोकतांत्रिक मूल्य को देखेंगे, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे दोस्तों। एक लोकतांत्रिक देश में क्या जनता का मूल्य रहता है, वहाँ पे उसकी क्या, तो देखिए समानता रहती है, हर एक लोग समान है। यहाँ पे कोई बालक हो, बालिका हो, पुरुष हो, महिला हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, न्याय की बात होती है, बहुलवाद। बहुलवाद बड़ा अच्छा संबंध है। बहुलवाद का मतलब विभिन्नता में एकता, जैसे कि मान लीजिए आपको आप यहाँ पे समानता की बात की
ये तो समानता का मतलब ये नहीं कि जैसे कोई सब सारे लोग एक धर्म मानेंगे, नहीं, बहुलवाद का मतलब आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप अपनी त्यौहार मना सकते हैं, आप अपने हिसाब से कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन सबको फॉलो करते हुए आपको एक रहना है, इसी को बहुलवाद कहते हैं। सहनशीलता का मतलब सहन करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, एक दूसरे की चीज़ों को हम समझते हैं, सम्मान करते हैं एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के धर्म का, और भाग लेना मतलब संपूर्ण आज़ादी होती है कि एक दूसरे के लिए, जैसे बाजार में आप अपने दुकानदार से, तो इस प्रकार से आप भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको लोकतांत्रिक मूल्य समझ में आ गया होगा और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब आइए कुछ और प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है, मतलब कल्चर किसे कहते हैं, संस्कृति क्या होती है। तो दोस्तों हम सब किसी न किसी संस्कृति से जुड़े होते हैं और संस्कृति अलग भी हो सकती है, जैसे यूपी की संस्कृति अलग है, बिहार की संस्कृति अलग है, तमिलनाडु तेलंगाना इनकी संस्कृति अलग है, लेकिन संस्कृति होता क्या है। लेकिन संस्कृति जो है जीवन की विधि है, जैसे जो भोजन आप खाते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, यह सभी क्या है, संस्कृति के पक्ष हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसमें वे चीज़ें भी सम्मिलित हैं जो हमने एक समाज के सदस्य के नाते उत्तराधिकार में प्राप्ति की है। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियां संस्कृति कही जाती हैं और कला, संगीत, साहित्य, वस्तु विज्ञान, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के पक्ष हैं। तथापि संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने का तरीका और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं दोस्तों, एक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो आप ये ना लिखिएगा कि जो भोजन आप खाते हैं, आप ये लिखिएगा जो भोजन हम खाते हैं, वरना एग्जामिनर कहेगा ओहो मुझे कह रहे हो। तो आप ऐसे लिखिएगा कि जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं या जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सभी संस्कृति के पक्ष हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से संस्कृति के बारे में ये चीज़ें हुई। अब आइए संस्कृति की परिभाषा लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर, ओहो भारत के विख्यात कवि, क्या इन्होंने परिभाषा दिया, सुनिए क्या कहा। संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है, बिल्कुल छाया हुआ है दोस्तों, संस्कृति से हम घिरे हुए, संस्कृति को हम फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया है, एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में उसी तरह व्याप्त रहता है, किस तरह, जिस प्रकार फूलों में खुशबू, फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। वाह क्या बेहतरीन, उन्होंने कहा कि संस्कृति हमारा ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया रहता है और जो मनुष्य के स्वभाव में उसी तरह व्याप्त रहता है जिस प्रकार फूलों में खुशबू और दूध में मक्खन। इसका निर्णायक निर्माण एक अथवा दो दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है इसका निर्माण। संस्कृति एक दिन में नहीं बन जाती, युग युगांतर में क्या बनती है, संस्कृति बनती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, खत्म करेंगे इस वीडियो को पॉइंट्स और देख लेते हैं कि संस्कृति की कुछ विशेषताएँ होती हैं। इसकी विशेषता यह है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, हमने अपने पूर्वजों से सीखा और उसे अपने व्यवहार में परिवर्तित किया, तो यह संस्कृति क्या हो गई, सीखा व्यवहार। संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति हस्तांतरित भी होती है दोस्तों, आने वाले बच्चे भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और संस्कृति मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करती है, प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, ठीक है, किसी समाज की कुछ और होगी, किसी समाज की कुछ और होगी, और सांस्कृतिक समूह का आदर्श होता है। दोस्तों ये हो गई संस्कृति। अगर आपसे संस्कृति के बारे में पूछे दोस्तों 8 नंबर या 15 नंबर में, तो संस्कृति के बारे में लिखिए और संस्कृति की परिभाषा लिखिए और उसके बाद संस्कृति की विशेषता हेडिंग डाल के इनको लिखिए। और अगर केवल आपसे संस्कृति की विशेषताएं पूछ देता है 8 नंबर में, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए, एग्जामिनर भी कहेगा वाह वाह क्या बच्चे ने पेपर लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, यह वीडियो यहीं खत्म होता है। और इसमें हमने देखा दोस्तों 30 से 47 ऑलमोस्ट 17-18 क्वेश्चन हमने देखा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत 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 शुक्रिया, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। कमेंट में अपनी राय दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और जो भी मैंने ये बनाया है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, आइए दोस्तों के साथ जुड़िए, एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और बहुत अच्छा नंबर लाना है इस बार, क्योंकि हमने ठाना है इस बार 100% लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर लाइक कर दे वीडियो को, अगर वीडियो पसंद
पसंद आई हो तो नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।